हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आपका पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी। तुल्य फोकस दूरी का अर्थ होता है कि दोनों लेंसों की टोटल फोकस दूरी। तो हमें इस वीडियो में इन दोनों लेंसों की टोटल फोकस दूरी ज्ञात करनी होगी। पहले आप संपर्क में रखे दो लेंसों का चित्र बना लीजिए। तो दोस्तों, मैंने इसका पहले ही चित्र बना रखा है, तो पहले मैं आपको इस चित्र को समझा देता हूं, क्योंकि जब तक आप इस चित्र को समझेंगे नहीं, आप इस सिद्धांत को सॉल्व नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जो बिंदु O है, यहां पर वस्तु रखी गई है जहां से प्रकाश आपतित किया जाता है लेंस L1 पर। लेंस L1 से प्रकाश L2 पर जाता है, जहाँ से दो प्रतिबिंब बनते हैं, एक आई डैश प्रतिबिंब, एक आई। अब लेंस L1 और आई डैश तक की जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वह होती है V डैश, और L2 से जो आई तक की प्रतिबिंब की दूरी है वह है V, सिर्फ V। हमारी O से L1 तक की जो वस्तु की दूरी है वह है हमारी U। तो मैंने आपके प्रतिबिंब की दूरी बता दी है और इस चित्र के बारे में बता दिया है। तो हम L1 और L2 की जो फोकस दूरी है, हम उसे F1 व F2 मानेंगे। तो हम पहले L1 की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, फिर L2 की। तो हम लिखेंगे लेंस L1 द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है, तब तो लिखेंगे 1/F1 बराबर के L1 की प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। तो L1 से आई डैश तक की जो प्रतिबिंब की दूरी है वह है V डैश, तो हम लिखेंगे 1/V डैश माइनस। अब देखेंगे कि लेंस L1 की वस्तु की दूरी कितनी है। तो वस्तु O से और L1 तक की जो वस्तु की दूरी है वह है U, तो हम लिखेंगे 1/U। तो हम लिखेंगे 1/U, इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब हमने लेंस L1 की फोकस दूरी तो ज्ञात कर ली, अब हमें ज्ञात करनी है लेंस L2 की फोकस दूरी। L2 की फोकस दूरी ज्ञात करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आई डैश प्रतिबिंब है ये लेंस L2 के लिए आवासी वस्तु का कार्य करता है। अर्थात जो L1 और आई डैश तक की जो प्रतिबिंब की दूरी है V डैश, वो वस्तु की दूरी U के बराबर कार्य करेगी। तो हम लिखेंगे पहले आई डैश प्रतिबिंब लेंस L2 के लिए आवासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है, तब L1 और आई डैश तक की जो प्रतिबिंब की दूरी V डैश है, ये वस्तु की दूरी U के बराबर कार्य करेगी। अर्थात U के स्थान पर हम V डैश का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे 1/F2 बराबर प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, L2 की प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। तो L2 से आई तक की जो प्रतिबिंब की दूरी है वह है वी, तो लिखेंगे 1/V। अब वस्तु की दूरी क्या है, अब वस्तु की दूरी हम यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि आई डैश जो प्रतिबिंब है ये L2 के लिए आवासी वस्तु का कार्य कर रहा है। अर्थात जो L1 आई डैश तक की जो प्रतिबिंब की दूरी वी डैश है, तो वह वस्तु की दूरी यू के बराबर कार्य करेगी, तो लिखेंगे 1/V डैश, इसे हम समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ देंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर। तो आप समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ेंगे कैसे, तो हम पहले समीकरण फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, फिर समीकरण सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/F1 प्लस, अब समीकरण सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना, 1/F2, तो हम 1/F2 लिखेंगे बराबर। अब समीकरण फर्स्ट का राइट हैंड साइड का मान कितना है, 1/V- माइनस के 1/U, तो हम इसे लिखेंगे 1/V- माइनस के 1/U ब्रैकेट प्लस। अब समीकरण सेकंड का राइट हैंड साइड का मान कितना है, 1/V माइनस के 1/V- इसे लिख लेंगे 1/V माइनस के 1/V-। अब इन दोनों के ब्रैकेट खोल देंगे, तो लिखेंगे 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर 1/V- 1/U प्लस के 1/V माइनस के 1/V-। अब देखिए
हमारे पास प्लस का वन अपॉन बी डैश है और माइनस का वन अपॉन बी डैश है, तो ये कट जाएंगे दोनों। अब हमारे पास बचा है माइनस के वन अपॉन यू प्लस के वन अपॉन बी। अब हमारे पास जो मान बचे उसे लिख लेंगे, तो हमारे पास बचा है वन अपॉन एफ वन। अब हमारे पास बचा है वन अपॉन एफ वन प्लस के वन अपॉन एफ टू। हमारे पास बचा है प्लस के वन अपॉन बी लिख लेंगे, और माइनस के वन अपॉन यू, तो हम वन अपॉन यू लिख लेंगे। तो दोस्तों हम इसे समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब लिखेंगे लेंस के सूत्र से, तो लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र क्या है, वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी माइनस के वन अपॉन यू, तो ये हमारा लेंस का सूत्र है, हम इसे समीकरण फोर्थ मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण थर्ड व फोर्थ की तुलना कर देंगे। अब लिखेंगे समीकरण थर्ड व फोर्थ की तुलना करने पर, तो हम समीकरण थर्ड व फोर्थ की तुलना कैसे करेंगे, तो समीकरण थर्ड में जो हमारा वन अपॉन वी माइनस के वन अपॉन यू का मान था, उसके स्थान पर हम वन अपॉन एफ पुट कर देंगे। दोस्तों जब हम समीकरण थर्ड में वन अपॉन वी माइनस के वन अपॉन यू के स्थान पर वन अपॉन एफ पुट करेंगे, तब हमारा हो जाएगा वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन एफ वन प्लस के वन अपॉन एफ टू। हमें याद करनी है दोनों लेंसों की टोटल फोकस दूरी, एफ वन व एफ टू का एलसीएम ले लेंगे, तो लिखेंगे वन अपॉन एफ बराबर, अब एफ वन और एफ टू का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ वन और एफ टू हो जाएगा। एफ वन की भाग देंगे एफ वन व एफ टू में, तो एफ वन से एफ वन कट जाएगा, बचेगा हमारा एफ टू। अब एफ टू की गुणा हम वन में करेंगे तो हो जाएगा एफ टू प्लस, अब एफ टू की भाग देंगे एफ वन व एफ टू में, तो एफ टू कट जाएगा, बचेगा हमारे पास एफ वन, तो एफ वन की गुणा हम वन में करेंगे तो हो जाएगा एफ वन। हम इसकी कर देंगे तिरछी गुणा, एफ वन एफ टू की कर देंगे वन में, और एफ की करेंगे एफ टू प्लस के एफ वन में। जब एफ की हम, तो हम एफ की किस में करेंगे, हम एफ की करेंगे एफ वन एफ टू में बराबर, एफ वन एफ टू की करेंगे वन में, तो हो जाएगा हमारा एफ वन एफ टू। एफ वन हमें ज्ञात करनी है सिर्फ फोकस दूरी, तो हम एफ वन एस एफ टू का मान राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एफ बराबर एफ वन एफ टू अपॉन, जब हम इसे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये अंश में है, तो ये हर में हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ वन प्लस के एफ टू। तो हमारी दोनों लेंसों की टोटल फोकस दूरी ज्ञात हो चुकी है, तो हमारा ये सिद्धांत सिद्ध हो चुका है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपको यहाँ में थोड़ी बहुत कुछ भी परेशानी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।